है दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बजे है 4 और हम लोग देखो सारे सरचार हुए और हम लोग तैयार हो गए हैं। दीक्षा तैयार हो रही है, अंदर में वो डाल दिया यार। भैया ठंडा हो रहा है वहाँ। आप इसको दिखाइए, इसको दिखाना, इसको दिखाओ। खुली पहने एक खाली टी शर्ट, ये देखो ये दीक्षा का ये बाहर दिख रहा है। कोई कोई मतलब नहीं होता फैशन, पहले ही ऐसी है जब से शादी नहीं हुई ना, तो पिछले तब इससे कोई मतलब नहीं किसी चीज का, क्या पहना है, कपड़ा चाहिए। दोस्तों हम निकलने वाले हैं, हम जल्दी जाने की सोच रहे लेकिन नहीं हो पाया, तो बच्चों को तैयार करना और ये लोग भी तैयार हुए। और ये गुन्नू बोल, तो दोस्तों हम लोग अब आगे बाहर गाड़ी लग गई है और अभी दीक्षा लोग आने वाले हैं। बाय बाय करो मामा, बाय बाय बेटा। तो ये तो लंबा हो गया ये। हाँ मम्मी आ गई, बाय बाय करो, चलो बाय बाय कर दो, बाय बाय करो, बाय 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 बाय। यहाँ से शुरू हो चुका है हमारा सफ़र, तो हम यहाँ से निकल चुके हैं पिथौरागढ़ के लिए। यहाँ पे मैंने छोटा सा क्लिप लिया था, तो इसलिए मैंने अपना भी फेस स्मैक कर दिया है वीडियो। यहाँ पे पापा गाड़ी चला रहे हैं, तो आप देख सकते हो आगे पापा ड्राइविंग सीट में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर चाय की दुकान है और यहाँ पर चाय पी रहे हैं। और बेटा चाय भी पी रहे दूर पे हमें रुकना पड़ रहा था क्योंकि वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी और पहाड़ में बहुत ज़्यादा मोड़ होने की वजह से काफ़ी वॉमिट होती है हमको। यहाँ तक मेरी बेटी को भी काफ़ी वॉमिटिंग होती है, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है गाइस। इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि ऐसा लगता है कि हम आए क्यों हैं, पर अब क्या करें, मजबूरी है। वहाँ पर कभी शादी होती है या कोई भी पूजा पाठ होती है तो जाना पड़ता है, हमारा गाँव है तो जाना तो पड़ेगा ही। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने ज़्यादा मोड़ होते हैं, तो मोड़ों के भी क्लिप ले रखे हैं इन्होंने। काफ़ी ज़्यादा नहीं दिखाया है क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाएंगे, इस वजह से हमने ज़्यादा नहीं दिखाया है, थोड़ा बहुत दिखाया है। तो आप भी देखिएगा कि वहाँ के कितने मोड़ होते हैं। देखिए बहुत सारे लोग तो गए भी होंगे पर बहुत लोग नहीं भी गए होंगे उत्तराखंड, तो आप देख सकते हो कितने ज़्यादा मोड़ होते हैं। वी शेप में मोड़ होते हैं, यू शेप में तो होते ही होते हैं, वी शेप में काफ़ी डीप मोड़ होते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वॉमिट होती है बहुत लोगों को। पर अगर वॉमिट की दवाई हमने खा ली होती है तो हमें वॉमिट नहीं भी होती, क्योंकि हमें नींद इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमें वॉमिटिंग नहीं होती है। पर वॉमिट की दवाई खाने के बाद भी वॉमिट हुई इस बार, और जो मेरी बेटी है उसको तो काफ़ी ज़्यादा वॉमिट हो रही है। तो आप देख सकते हो, दिखाएंगे आगे कितनी वॉमिट हो रही है उसको। उल्टी हो रही खाली पाए, खाए तो कुछ नहीं उल्टी का। ए उधर नीचे जाएगा देखना, वो भी उल्टी कर रहा है। लल्ला ये दोस्तों देखो, पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्ते और ये बड़े बड़े पहाड़ कितने सुंदर लगते हैं। मैं कम से कम 1 साल के बाद पहाड़ में आया हूँ, अपनी होम टूर जा रहा हूँ। और देखिए अब मैं बैक कैमरा करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। उल्टी हो रही ना, अब इसको भी होने लग गई, इसको भी होने लगी उल्टी। और देखो पहाड़ सुंदर सुंदर वादियों के अंदर से हम गुजर रहे हैं। और यहाँ पे ना काफ़ी ठंडा हो रहा है, ठंडा अभी भी ठंडा है, अभी स्वेटर पहना है और मैं तो नहीं पहना अभी स्वेटर पहनूंगा, मौसम अभी ख़राब है। बेटा हो गया, अभी मौसम ख़राब हो रही है, गाड़ी में सो रखे हैं ये। ये देखिए इसको नहीं होती उल्टी, हाजरी इसको नहीं होता उल्टी ना, ये गजब है। क्या निकाल दिया ये देखो, तरह गाड़ी वॉमिटिंग से ही बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, इसी वजह से रोकना पड़ रहा था गाड़ी क्योंकि वॉमिट हो रहा था, बच्चे वॉमिट नहीं कर पा रहे थे गाड़ी में चलते हुए। और काफ़ी मोड़ होने की वजह से काफ़ी धक्के लगते हैं इधर उधर। आप देख सकते हैं मेरी बेटी की कितनी बेकार हालत हो गई है, घर पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रहा है, इसलिए हम रुकना पड़ रहा है। यहाँ पे हमारे छोटे भाई को भी वॉमिटिंग हो रहा था, यहाँ पे देखिए मेरी भी कंडीशन कितनी बुरी है, पर मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई। मैं मतलब उसकी गोली खाई थी वॉमिटिंग की, तो जिसके वजह से मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो उसलिए मुझे कोई दिक्कत हुई क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी, बहुत चक्कर आ रहे थे, अदरवाइज़ और कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। पर आप देख सकते हो मेरी बेटी को और छोटे भाई को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई। और आपको हमारा पहाड़ कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल मत करिएगा। यहाँ पे हम अपनी बेटी को छोटी सी गोली खिला रहे हैं आधी तोड़ के, ताकि सो ही रहे घर में, अच्छे से पहुँच जाए, दिक्कत ना हो, क्योंकि खाना में इसने कुछ खाया नहीं, बाद में वॉमिट नहीं आ रहा था, खाली उबकाई आ रही थी, तो बहुत डर लग रहा था हमें। चलते हैं, दवाई खाली बैठा बेटा,
नहीं नहीं जब गोली पड़ी और यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा है बिल्कुल ना, यहाँ पर नेटवर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसी स्थिति है पहाड़ों में। अरे तू भी उल्टी वाला है यार। वहाँ देखो पहाड़ लंगूर कैसे उछाल कुदाल मारते हैं। वो उधर लंगूर दिख जाएंगे आपको, वो देखो रास्ते पर उल्टी उल्टी करने में। खाना कुछ खाया नहीं है, होटल है, चलती है यहाँ पे, चलती नाम से यहाँ पर नाश्ता लंच सब मिलता है। यहाँ पर लोग घर भी है, ये आप देख रहे हैं दिखा देख रहे। तो गाइज आप देख सकते हैं थोड़ा आगे चल के हम फिर से रुके हैं क्योंकि थोड़ा नाश्ता वगैरह पापा लोगों को करना था, चाय वगैरह पापा को पीनी थी और फिर बेटी की भी काफ़ी हाल डाउन हो गई है, आपको मैंने पहले ही बताया। तो पापा ने सोचा क्यों ना थोड़ा मछली भात खा लिया जाए, थोड़ा पेट पूजा कर ली जाए, इसलिए हम यहाँ पर रुके हुए हैं गाइज। तो आप देखिए पहाड़ी मछली और भात रोटी खा रहे हैं यहाँ पर। अभी ना बाहर देखो धूप भी काफ़ी अच्छी आ गई, अभी मौसम खराब था, बारिश हो रही थी यहाँ पे पहाड़ी मछली। और ये पहाड़ी मछली देखो, आज हम पहली बार यहाँ पर खा रहे पहाड़ी मछली, कई सालों के बाद ना, क्योंकि हम पहाड़ में कम रहते हैं। आपके ये हमारी गुन्नू उल्टी हो गया, खराब हो रखी है, एक और रायता खिलाया जाएगा। गाइस खाना खाने के बाद हम वहाँ से निकल चुके हैं, आप देख सकते हो यहाँ के पेड़ पौधे पूरा दिखा रखा है, बेचारे मजदूर लोग हैं जो अभी हमने आपको दिखाए। और आप देखिए यहाँ का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब होने के कारण हमें नीचे से जाना पड़ रहा है, वहाँ पर पुल बन रहा था, वहाँ का पुल टूट गया है तो हमें नीचे से भेजा गया। तो यहाँ का रास्ता तो बिल्कुल ही इतना बेकार था, आप देख सकते हो कितनी गाड़ी हिल रही है। और वॉइस ओवर मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इसमें गाने चल रहे थे गाड़ी में और उसका फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाए जिसकी वजह से हमारा वीडियो ख़राब हो जाए, इसीलिए मेरे को यहाँ पर वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। ये एडिट नहीं कर रहे हैं इसलिए वॉइस ओवर नहीं करें, अगर ये एडिट करते तो ये वॉइस ओवर करते। यहाँ पर मैं एडिटिंग कर रही हूँ इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, एडिटिंग में थोड़ी ख़राबी लगे तो उसके लिए सॉरी गाइस। ये काफ़ी अच्छे एडिटिंग करते हैं, काफ़ी अच्छे से वीडियो अपलोड करते हैं, पर मैंने सोचा आज मैं कर दूँ वीडियो अपलोड और वीडियो एडिटिंग क्योंकि उनको भी थोड़ा छुट्टी हो जाएगा और वहाँ तो अपलोड करते ही हैं, वहाँ एडिटिंग भी करते हैं अपनी ड्यूटी में। तो मैंने सोचा आज मैं क्यों कर देती हूँ इनका वीडियो अपलोड मतलब एडिटिंग। तो आप देखिए कितने मोड़ हैं, कितने पहाड़ हैं, कितना अच्छा मौसम हो रहा है पहाड़ों का। और यहाँ पर बहुत ठंडा था, बरेली के अकॉर्डिंग पिथौरागढ़ में बहुत ज़्यादा ठंडा है। यहाँ पे हमें रजाई गद्दे ओढ़ने पड़ रहे थे, मैं हमने स्वेटर निकाले दोबारा बैग में से क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा था। और बरेली में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी जून के मतलब मई के महीने में, पर यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा था। आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल पहाड़ लग रहे हैं, ये कितनी अच्छी पहाड़ियाँ लग रही हैं। यहाँ पर पापा भी अब थोड़ा थक गए थे गाड़ी चलाते चलाते, और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा जाम लगा हुआ है दोस्तों। आप अभी देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है, पहाड़ का मौसम का कुछ पता ही नहीं होता कि कब चेंज हो जाए। अभी देखा आपने कितनी अच्छी धूप थी और अचानक से कोहरा बारिश होने लग गई। यहाँ का मौसम यहाँ का वेदर तो इतना अच्छा रहता है और पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पर कब बारिश हो जाए कब धूप आ जाए। और इससे आगे थोड़ा जाते ही वहाँ पर धूप आना स्टार्ट हो गई थी, देखिए कितना कोहरा है। ये देख सकते हो आप अभी यहाँ का घाट का पुल है, तो शायद आप लोगों को हमारे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे, तो ब्लॉग अच्छा लगा हो थोड़ा बहुत भी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके दोस्तों। तो अभी हम यहाँ बैठ चुके हैं धारचूला के लिए। बुटवा खा रहे हैं देखो, बुटवा बेकार बुटवा उल्टी होती है और ठंडा बहुत हो गया बाहर में ना, बारिश बहुत है। मैंने मना किया होगा। ये पिथौरागढ़ से पहले पड़ता है गुरना मंदिर और काफ़ी फेमस है वहाँ पर, तो इसलिए हमने थोड़ा इसका क्लिप ले लिया था, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। एडिटिंग मैं कर रही हूँ इसलिए वॉइस ओवर भी मैं कर रही हूँ। यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड इसलिए दिखाया है क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा इन्होंने क्लिप ले लिए थे, उसको हटाना भी मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए फास्ट फॉरवर्ड में मैं आपको दिखा दी। ये पिथौरागढ़ का एरिया है जिसे आप देख सकते हो। पहुँचने वाले हैं पलेटा और नैन पत्थर के बीच में, ठीक है। और बाकी देखो मौसम यहाँ का, यहाँ पे है 10-15 किलोमीटर। हम धारचूला रोड में आ चुके हैं, पिथौरागढ़ से हम निकल गए धारचूला के लिए। और ये देखो गाड़ी यहाँ पे है और ये हमारे